भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आईपीयू के अध्यक्ष श्री द्वारते पचेको जी, सभी अतिथिगण, योर एक्सेलेंसीज, G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के नवे शिखर सम्मेलन P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, नवा P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। वस्तुत लोकतंत्र हमारे शासन तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार है। एक्सेलेंसीज, विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की पहचान है। हमने 75 वर्ष के लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में जन केंद्रित शासन के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव किए हैं। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा दरअसल हमारी संस्कृति का बुनियादी सिद्धांत है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसदें। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, जो हमारी सहभागिता, सहकारिता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावनाओं को दर्शाता है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस मिशन को G20 समूह के सभी देशों की संसदों का भरपूर समर्थन मिला। सबने अपने अपनी संसदों में मिशन लाइट पर चर्चा करने तथा इसे जनता का जन आंदोलन बनाने का स्वरूप देने का भी संकल्प लिया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सलेंसी जी, इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं।
उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। एक्सेलेंसीज सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य मानव के समग्र विकास के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। भारत में SDG के लक्ष्यों को पाने के लिए नीतिगत योजनाएं बनाई गई है और आवश्यक होने पर कानून भी बनाए हैं। इस पर संसद में व्यापक चर्चा भी हुई है। विकास में पीछे रहे जिलों को आकांक्षी जिला मानकर हमने विकास के समकक्ष उन जिलों को लाने का नीतिगत फैसला किया है और इससे पूरे देश के अंदर एक समान विकास की अवधारणा विकसित हुई है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत स्वयं ग्रीन डेवलपमेंट एवं ग्रीन ट्रांजिशन की प्राथमिकता को देते हुए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक प्रभावी पहल कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल गठबंधन जैसी भारतीय पहलों को बड़े पैमाने पर वैश्विक समर्थन मिला है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ चुके हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद के नए भवन में विशेष सत्र के पहले दिन संविधान में संशोधन, केंद्र और राज्य के निर्वाचित सदनों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी निर्णयों में कानून बनाने में भागीदारी बढ़ेगी। मेरा विश्वास है वुमेन डेवलपमेंट 21 सदी के विश्व में बहुत बड़े बदलाव का वाहक बनेगा। एक्सलेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने समावेशी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन को संभव बनाया है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। DBT, UPI जैसे डिजिटल इंटरवेंशन ने देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। एक्सेलेंसी, मेरा विश्वास है इन विषयों पर सामूहिक चर्चा संवाद से एक समावेशी, समतामूलक और न्याय संगत वैश्विक समाज का संकल्प साकार होगा और भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक संसदीय सहयोग का एक नया अध्याय आरंभ होगा। P20 वैश्विक गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय आयाम है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए संसदों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। एक्सेलेंसी, जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी वह चर्चा हमारी संसदों के अंदर भी आगे चलती रहे। इन विषयों पर व्यापक मंथन के बाद नीतियों एवं योजनाओं तथा आवश्यक होने पर कानून का निर्माण भी करें। संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बने। हम G20 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए P20 के निरंतर समर्थन की आशा कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं P20 सम्मेलन में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।